नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत जैसे देश में हजारों मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी अलग अलग कहानी है। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भगवान मौजूद है और वो खुद इस बात का प्रमाण देते हैं। आज एक ऐसे ही मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जहाँ खुद हनुमान जी आते हैं और वो उस काम को नहीं होने देते जिसे वो नहीं चाहते। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे चमत्कारों का गढ़ कहा जाता है, जहां खुद भगवान खुली छत में रहना चाहते हैं, इसलिए यहां कभी छत नहीं बन पाती है। देखिए रिपोर्ट और जानिए ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में। बुरहानपुर का श्री हनुमान मंदिर अनोखा है, खास है, क्योंकि यहां खुद हनुमान विद्यमान है। जी हां, जलगांव जिले के ग्राम सिलसाला में एक ऐसा मंदिर है जहाँ खुद हनुमान जी छत नहीं बनने दे रहे, क्योंकि उनको खुले में रहना पसंद है। ऐसी मान्यता यहाँ के भक्तों की है। श्री हनुमान मंदिर सिरसाला में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब सी न्यूज भारत की टीम द्वारा जानकारी ली गई तो महाराष्ट्र से भक्तजन आए थे, उनसे पूछा गया कि इस मंदिर का विशेष क्या है। भक्तजनों ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है और 5 शनिवार व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शनिवार करने के बाद में जो भावी भक्ति की मनोकामना इधर पूरी हो जाती है, वो कोई भंडारा से दाल बाटी का इधर रखता है भंडारा, जो भावी भक्त है किसी का मन की इच्छा पूरी हो और बताकर इधर आते हैं, जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो ये मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, जो स्वामी रामदास स्वामी थे उसके हाथियों की इधर 5 प्रतिष्ठा हुई थी। जो हमारे भगवान जी का मंदिर बहुत दूर दूर से आदमी आते और हमारे ये इधर कोई इधर जिंदगी मांगनी नहीं जाते, जो भी करता है भाई भक्त की जिंदगी यहाँ पे बांधा हो रहा है। ये कौन से जिले के अंतर्गत लगता है? ये जिला जलगांव तालुका बोर्डर सिंगड़ा मारती, ये जलगांव जिले में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। बहुत उधर बहुत आते लोग की बहुत श्रद्धा है भाई भक्त की, जो आने वाले उनका चंबर के आते हैं, जो भी उनका मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा भाविक का कहना है। यहाँ ऐसा मानना है कि हनुमान जी यहाँ छत होने नहीं देते, ये बात कितनी सच्चाई है? बहुत बार वो छत बनाने के बहुत बार कोशिश की, क्या है भगवान जी का हमारे तीन रुपये में हिवाड़ा उनाड़ा पाव थोड़ा तीन रुपये भगवान जी को ऊपर का छत नहीं है, बनाने की बहुत बार कोशिश की है। बड़े बड़े इंजीनियर आए थे उधर बनाने के लिए, लेकिन जो बनाने की कोशिश की वो आज बार बार गिर जाता है, लेकिन हमने ऐसे समझा कि हमारे भगवान जी को ऊपर छत नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समाधान कोसारी, मैं यहाँ पे सही करी हूँ। हमारे ट्रस्ट के मंदिर के ट्रस्टर विश्वनाथ पाटिल देखभाल करते हैं, हमारे ट्रस्ट है विश्वनाथ पाटिल है और वो हमारे सब कार्य संचालक का भी मेरे देखभाल करते हैं। हमारे मंदिर के कोई किधर जिंदगी मांगनी नहीं जाती, जो भी भाई भक्त की जिंदगी करता है उससे हम हमारे मंदिर का देखभाल और काम करते हैं। का इतिहास ऐसा है, जय श्री राम। तो अभी मुझे पता नहीं था यहाँ का माहौल कैसा है क्या है, लेकिन एक भूमिधन भाई मुझसे मिले तो उन्होंने कहा तो बोले तुम जाओ वहाँ जाके, तुम्हारा पोता जो है वो बीमार है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ जाके तुम दर्शन लो और आज शनिवार तक तुम्हारा पोता उठ के बैठ जाएगा। तो हमको यहाँ का एड्रेस मालूम नहीं था, फिर हम पूछते पूछते आए तो यहाँ आके हमने मालिक से विनती की, अरे मालिक हमको ये वो इंसान ने एड्रेस दिया है तो हम यहाँ पे कैसे कैसे पहुँचे हैं। तो अगर मान लो मेरा पोता यहाँ से उठ के बैठ गया तो मैं ना किसी जरूर आऊँगा। तो यहाँ से जब उठा तो यहाँ उधर जाके मैं बागड़े पे बैठा, वहाँ बैठने के बाद मुझे आकाशवाणी थी तो बोले आप तेल बनाते हैं उसका मालिश कर दो। तो हमने वहाँ से घर गए जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से कहा था मालिक हमारी विनती करते हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट बंद रखो, अभी अपना ट्रीटमेंट करते हैं, हमको आदेश हुआ है वहाँ से। तो हमने हॉस्पिटल में उनका तेल बनाया और उसको मालिश किया तो ब्लड का 12 घंटे के अंदर हुआ है मुझे। तो यहाँ आता वो सेवा में मैं काम करता हूँ, आयुर्वेदिक दवा का पैसा नहीं लेता हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? 16 साल हुआ भाई। 16 साल? हाँ, 2014 से आ रहा हूँ मैं यहाँ।
2014 से। कहाँ कहाँ से पब्लिक आती है यहाँ पर? यहाँ पे अभी मान लीजिए महाराष्ट्र के, अभी यूपी बिहार से भी लोग आने लगे। अभी मैं राजस्थान से भी लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, नासिक, मुंबई, पुणे, यहाँ पे आके लोग मेरी राह देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंदराज भाई। कहाँ के रहने वाले? अभी हमारा तालुका पड़ता है धरगाँव, जिला पड़ता है जलगांव, और खरदा करके गांव है मेरा, छोटा सा गांव है। ये कौन से गांव में हनुमान जी का मंदिर है? ये सिरसाड़ा मारुति तालुका भोदवाड़। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। देखा जाए तो आप कहेंगे कि ऐसे कई मंदिर हैं, तो हाँ ऐसे कई मंदिर तो हैं, लेकिन भगवान होने की अनुभूति केवल आपको यही मिलेगी, क्योंकि यहाँ के भक्तों में एक सच्ची आस्था इस विश्वास को जिंदा रखती है कि हो ना हो भगवान तो यही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।